दोस्तों, अगर आपका कोई अकाउंट्स का कंप्लीट कोर्स हो चुका है और आपकी जस्ट अभी किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पर जॉब भी लगने वाली है और आप इस बात को लेके कन्फ्यूजन हो भी वहाँ पर मुझसे एज ए अकाउंटेंट के रूप में क्या क्या वर्क करवाया जाएगा, या फिर आपके माइंड में ये बात चलती है भी अकाउंटेंट का जो काम होता है किसी कंपनी में वहाँ पर परचेज वाउचर में परचेज एंट्री, इसी तरीके से सेल वाउचर में सेल की एंट्रियाँ करना, पेमेंट वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में, जनरल वाउचर में, काउंटर वाउचर में, या फिर परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न के रिगार्डिंग क्रेडिट नोट या डेबिट नोट में वाउचर एंट्री करना, भी केवल आपके माइंड में यही चल रहे हैं भी अकाउंटेंट का जो काम होता है केवल वाउचर एंट्रियाँ करना ही होता है, उसके अलावा और कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो और इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपकी वो सारी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी भी एज ए अकाउंटेंट के रूप में आपको क्या क्या वर्क करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जो अकाउंटिंग वाउचर से रिलेटेड जो एंट्रियाँ वो तो आपको करनी ही पड़ेगी और इसके अलावा बहुत और ऐसी जिम्मेवारियाँ भी है वो भी आपको पूरी करनी पड़ती है उस कंपनी में एज ए अकाउंटेंट होते हुए। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहने वाला है एक नए अकाउंटेंट के लिए, तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे पॉइंट्स के साथ हम चर्चा करेंगे भी आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या क्या और जिम्मेवारियां आपको संभालनी पड़ेगी और टैक्सेशन के रिलेटेड आपको कौन कौन से वर्क करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में वाउचर एंट्रियाँ तो आपको करनी ही पड़ेगी, परचेज सेल पेमेंट रिसिप्ट या बैंकिंग रिकॉर्ड से संबंधित जो भी एंट्रियाँ रहेगी आपकी परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न की। उसके अलावा जो आपका काम बच जाता है वो रहता है आपका कैश को मैच करना। तो दोस्तों, जो आपके पास कैश इन हैंड आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आ रही है, क्या वो कैश इन हैंड आपके उस कंपनी की फिजिकल भी कैश के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो दोस्तों, इसको आप अच्छी तरीके से समझना भी, इसका मतलब क्या होगा। अब मतलब ये हो गया, मान लीजिए आज 8 अक्टूबर 2021 की डेट है और आपके जो फिजिकली कैश है उस कंपनी के पास में, मान लीजिए वो 50,000 रुपये है, पूरे रन की राउंड फिगर में 50,000 रुपये है, लेकिन आपकी जो अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर आप चाहे टेली सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो चाहे बिजी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, उसके अंदर आपकी जो कैश इन हैंड है वो 50,500 रुपये आ रही है। यानी कि फिजिकली कैश आपके पास 50,000 रुपये है और आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यानी कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रही है 50,500 रुपये। यानी कि फिजिकली तो 500 रुपये कम है लेकिन बुक्स में 500 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता करना होगा भी जो आपके बुक्स में 500 रुपये जो का जो डिफरेंस है, एक्सेस आ रही है आपकी जो कैश इन हैंड वो क्यों आ रही है। अब इसका दो रीज़न हो सकता है, मान लीजिए आपने कोई ऐसी कैश की सेल करी है जिसका इनवॉइस आपने अभी तक नहीं कटा हो, या आपको कोई कस्टमर आपको कोई पेमेंट दे के गया हो जिसके अगेंस्ट में आपने कोई रिसिप्ट अभी तक तैयार नहीं करी हो, क्योंकि कैश आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब पैसा आपके पास आया है। तो आने का दो ही कारण हो सकता है भी, या तो आपने कोई कस्टमर आपको दे के गया होगा या फिर आपने कोई कैश में सेल करी होगी। तो अगर आपको इस तरीके की भी एंट्रियाँ मैनेज करनी पड़ेगी भी आपका जो फिजिकली कैश है कंपनी के पास में और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कैश इन हैंड आ रहा है वो बिल्कुल मैच होना ज़रूरी है, या आपके पास मान लीजिए कैश है जो 49,500 रुपये यानी कि 500 रुपये की कैश इन हैंड आपके पास कम आ रही है, तो इसका मतलब भी आपने 500 रुपये की किसी को पेमेंट कर दी जिसका वाउचर अभी तक आपने तैयार नहीं किया। अब 500 रुपये आपने किसी सप्लायर्स को पेमेंट करी भी हो सकती है, आपने कोई कैश में गुड्स भी परचेज़ किया हो सकता है, या फिर आपने कोई 500 रुपये का कोई ऐसा कंपनी का खर्चा किया हो सकता है जिसको आपके पास कोई डेबिट नोट वगैरह आपने तैयार नहीं किया। तो ये सब कुछ आपको ही तैयार करना होगा। सेकेंड पॉइंट, स्टॉक को मैच करना। तो दोस्तों, अब फिजिकली स्टॉक और आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी कि जो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो स्टॉक स्टेटस में की स्टेटमेंट की जो डिटेल आती है उसका स्टॉक और कंपनी के फिजिकल स्टॉक के साथ भी आपका डाटा मैच होना ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो फिजिकली में तो कम आ रहा है और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज़्यादा आ रहा है, तो अभी इसका रीज़न भी आपको ढूंढना होगा भी इसका मतलब ये हो गया भी आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट आप हो सकता है दे दिए हो जिसका आपने इनवॉइस अभी तक तैयार नहीं किया हो, तो वो भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं भी, उस कंपनी में जहाँ पे आप एज ए जॉब कर रहे हो तो आपके उस कंपनी में जो गुड्स परचेज करती है जो आपके सप्लायर्स हैं उन सप्लायर्स के साथ आपको आपकी कंपनी की अकाउंट की स्टेटमेंट भी आपको हर मंथ एंड पे मैच करनी ज़रूरी होती है।
मान लीजिए आपने किसी कंपनी से आप रूटीन में गुड्स परचेज करते हो, रूटीन में आप उनको पेमेंट भी करते हो, तो जो आपके पास उस कंपनी का बैलेंस आ रहा है, क्या सामने वाली जो आपके सप्लायर्स हैं उनके पास भी आपका सेम बैलेंस ही आ रहा है, यानी कि अकाउंट की जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है मंथ में, चाहे वो पेमेंट की करी हो चाहे आपने परचेज की करी हो, तो वो आपके सप्लायर्स के साथ मैच होना ज़रूरी है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो आपके अगर कोई कस्टमर हैं, मान लीजिए आपके कोई ऐसे रजिस्टर्ड कस्टमर हैं, तो उनके साथ भी आपको मंथ एंड पे उनके अकाउंट स्टेटमेंट आपको मैच करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा गुड्स उनको सेल कर दिया हो और आपके जो कस्टमर हैं उन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी तक मान लीजिए उन्होंने एंट्री नहीं करी है, तो वो आपको एंट्री करवानी पड़ेगी, अदरवाइज आपका टैक्सेशन पे यानी कि GST रिटर्न में डिफरेंस आ सकता है। तो ये काम आपको मंथ एंड पे करना होगा, और जो कैश इन हैंड का मैच है ये आपको डे टू डे यानी कि डेली मैच करना होता है। तो स्टॉक स्टेटमेंट भी आप डेली मैच कर सकते हो, 15 दिन के साथ कर सकते हो, मंथ एंड पर भी कर सकते हो। तो अकाउंट की स्टेटमेंट है आपके सप्लायर्स है चाहे आपके वो कस्टमर हैं, उनके साथ आपको हर मंथ एंड पे स्टेटमेंट मिलान करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो जो आपके कस्टमर है, अगर आपने कस्टमर को कोई स्कीम आपने दे रखी है, तो उसका अगर कोई क्रेडिट नोट है या फिर उसका कोई डेबिट नोट अगर इश्यू करने वाला बकाया पड़ा है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, उसको भी आपको मंथ एंड पे क्लियर करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका कोई कस्टमर है तो उसको आपने कंपनी की तरफ से कोई ऐसी स्कीम दे रखी हो, भी आपने प्रोडक्ट बेस पे कोई स्कीम दे रखी हो कि अगर आप हमारे इतने प्रोडक्ट आप सेल करवाते हो तो हम आपको इतने रुपए का कमीशन देंगे, डिस्काउंट देंगे, इंसेंटिव देंगे, तो अगर वो कम मतलब जो आपका टारगेट है उस कस्टमर ने आपका पूरा कर दिया है, तो उसके अगेंस्ट में भी आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। या अगर मान लीजिए आपकी कोई ऐसी कंडीशन भी थी भी अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते हो तो आप पर पेनल्टी भी चार्ज करी जाएगी, तो उसके अगेंस्ट में भी आपको भी डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा कस्टमर को। या फिर अगर आपने कोई कस्टमर का कोई रेट डिफरेंस का अगर कोई इश्यू आ रहा है पूरे मंथ में, तो रेट डिफरेंस का भी आपको क्रेडिट नोट है या फिर डेबिट नोट वो भी इशू करना पड़ेगा। अगर पॉइंट नंबर हम 6 की बात करें तो आपको मंथ एंड पे बैंक स्टेटमेंट भी मिलान करना पड़ेगा। भी आपने जो भी ट्रांजेक्शन वाउचर के द्वारा आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री जो कर रखी है आपने आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो वो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट मंथ एंड पे आपकी स्टेटमेंट बैंक से लेके आनी पड़ेगी, और उस स्टेटमेंट में जो बैंक ने आपसे चार्ज किए हुए एक्सपेंसेस है चाहे वो इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है, तो उसकी एंट्री आपको स्टेटमेंट लाने के बाद ही पता चलेगी, तो उसकी एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी ताकि आपका मंथ एंड पे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बैंक बैलेंस आ रहा है और आपका जो बैंक में जो आपका बैंक बैलेंस आ रहा है वो आपस में बिल्कुल टैली होता रहे। तो दोस्तों ये तो थे अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेरी जो आपको करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन की। तो दोस्तों टैक्सेशन की हम बात करें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है GST का। तो GST का मतलब, तो सबसे पहले अगर आपने मंथ एंड पे आपने सप्लायर से अगर आपके स्टेटमेंट मैच है और आपने अपने कस्टमर को जो रजिस्टर्ड कस्टमर आपके यानी कि B2B बिजनेस टू बिजनेस अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, तो उनके साथ भी अगर आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो पूरे मंथ की एंड पे आपने मिलान कर रखी है, तो आपकी GST की जो रिटर्न है वो बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से मिलान हो पाएगी। क्योंकि हर मंथ एंड पे जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें GSTR 1 रिटर्न तैयार करनी पड़ती है। तो उस रिटर्न में आपको ये देखना पड़ेगा भी कोई आपका ऐसा कोई कस्टमर रह ना जाए, अगर वो मान लीजिए कस्टमर आपका GST में रजिस्टर्ड है और आपने उसका कस्टमर को अनरजिस्टर्ड में अगर आपने रख रखा है, तो कहीं वो भी आपको मैच करना पड़ेगा। आप अपने सप्लायर कस्टमर से ये कन्फर्म भी करना पड़ेगा कि आपके पास GST नंबर है या नहीं है। अगर है तो आपको रेगुलर में रखना पड़ेगा, नहीं है तो आपको अनरजिस्टर्ड में रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अब आपको प्रॉपर जब GST R1 के बाद जब बारी आएगी 3B की, जिसमें हमें ITC भी लेना होता है, तो आपको जो पोर्टल पर B2B का जो ट्रांजेक्शन हमारी रहती है वो भी आपको पोर्टल के साथ मैच करनी पड़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट की डिटेल के साथ। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई ऐसे गुड्स है वो परचेज कर रखे हों, लेकिन आपके जो सप्लायर है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपका जो पोर्टल पे डाटा है वो प्रॉपर हो सकता है सही तरीके से मैच ना करना पड़े, तो वो भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा भी हमने आपसे परचेज किया हुआ है और आपने अभी तक पोर्टल पे ये जो हमारा रिकॉर्ड है वो मेंशन नहीं किया हुआ है। तो अगर मान लीजिए वो उसके रिटर्न क्वार्टरली फाइल करते हैं तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको अलग से चार्ट मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आप प्रॉपर उसका मेंटेन कर सको। भी कुछ आपके जो मंथली जो सप्लायर्स हैं वो आपने डाटा वो मैच कर लिया, और कुछ क्वार्टरली है इनका डाटा आपको 3 महीने के बाद में शो होएगा, तो ये भी आपकी जिम्मेवारी बनती है पोर्टल के साथ आपका बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन को मैच करने की। और उसके बाद बारी आती है TDS की और TCS की। अब मान लीजिए आप अगर आप कोई कस्टमर है
आपने उस कस्टमर को जो आपके सप्लायर्स हैं उनको मान लीजिए आपने किसी टाइप का कोई कमीशन दिया हो, कोई इंटरेस्ट आपने दिया हो, तो उसके ऊपर आपके अगर कंपनी की TDS काटने की लाइबिलिटी अगर बनती है तो TDS भी डिडक्ट करना होगा प्रॉपर, वो भी आपको डिपॉजिट करवाना होगा। उसके अलावा GST के दौरान अगर आपने कोई फ्रेट पे अगर कोई मतलब GST आपने डिपॉजिट कराया हुआ है तो उसका RCM इनवॉइस भी आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये कुछ टैक्सेशन से संबंधित कंप्लायंस है जो एज ए अकाउंटेंट की ही सारी जिम्मेवारी है, उनको ही पूरी करनी पड़ती है। और GST रिटर्न फाइल करते वक्त आपको प्रॉपर B2B की ट्रांजेक्शन, B2C की ट्रांजेक्शन, HSNY समरी, डॉक्यूमेंट की समरी, वो भी आपको प्रॉपर सही तरीके से अच्छी तरीके से देखनी पड़ेगी रिटर्न फाइल करने से पहले। और उसके बाद में जब आपकी रिटर्न जाएगी 3B की, और उसके बाद में आपको 3B का डाटा भी आपके GST R1 के साथ मैच होना चाहिए, भी जितनी सेल आपने GST R1 के रिकॉर्ड में दे चुके हो क्या उतनी सेल आपकी GST R3B में भी आ रही है या नहीं आ रही, कोई डिफरेंस तो कोई नहीं रह गया। तो ये सारी जो टैक्स डिटेल्स हैं वो आपको क्लियर करनी होती है रिटर्न फाइलिंग करने से पहले। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के मतलब ये फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको वाउचर एंट्री करने के अलावा सब कुछ करना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।